ओके हे गाइस, माय नेम इज नीरज और जो वाचिंग नई रिव्यू पाई। तो हर साल बहुत सी मूवी रिलीज होती है, कुछ बहुत ही अच्छी होती है, कुछ बिलो द एवरेज रहती है। उनमें से चूज कर पाना कौन सी मूवीज अच्छी है और कौन सी बिलो रह गई, ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज जिसमें आपको ग्रेट परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी और हाउ एवरीथिंग वाज परफेक्ट स्क्रीन पे उतरते हुए दिखाई दे गए एक ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ। तो अगर आप इनमें से कोई भी मूवीज देखते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए मूवी की चॉइस बहुत ही अच्छी है। तो चैनल पर आगे बढ़ने के लिए, वीडियो में आगे बढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, इससे थोड़ी चैनल की भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, वीडियो में बहुत ही भर भर के अच्छी मूवीज और मसाला होने वाला है। तो बस कुर्सी की पेटी बांधो और तैयार हो जाओ इस वीडियो के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। I also write songs. Lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. लिस्ट की शुरुआत करते हैं 7.99 के साथ 2011 में रिलीज हुई मूवी द आर्टिस्ट के साथ। मूवी का प्लॉट फॉलो करता है पैपी मिलर नाम की एक लड़की की, जो कि एक साइलेंट फिल्म एक्टर से प्यार कर बैठती है। और दूसरी ओर कहानी में तभी ट्विस्ट आता है जब पैपी मिलर एक बहुत ही फेमस एक्टर बन जाती है और जॉर्जिया का करियर डाउन हिल पर जाने लगता है। तो किस तरह से उनकी बातें उड़ने लगती है और लाइफ में किस तरह से उनकी ट्विस्ट आता है आपको मूवी देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली आर्टिस्ट मूवी रियल बेस्ड स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को पूरा पूरा जाके देखते हो तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को पूरा एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको हर थिंग परफेक्ट देखने के लिए मिलेगी और किसी भी लेजेंड को कॉपी करके स्क्रीन पे उतारना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय करिए द आर्टिस्ट को। लिस्ट में आती है 7.3 के साथ वो ड्रामा मूवी लिंकन, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा किस तरह से अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, किस तरह से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके युद्ध को एक तरह से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर अपने देश को एक तरह से फिर से एक साथ करने का कोशिश करते हैं, जो आपको मूवी देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरी बात, मूवी में जो मेन लीड है अपने डैनियल, जिन्होंने इब्राहिम लिंकन का कैरेक्टर निभाया, उनको इस मूवी में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए एकेडमी अवार्ड मिला, जिसे आप ऑस्कर भी कह सकते हो। मूवी का प्लॉट मैं काफी आपको तोड़ मरोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा बताना स्पॉइलर हो जाता, तो बस आप अपनी कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लो और इस मूवी को जाके पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो इब्राहिम लिंकन को। लिस्ट में थी 7.7 के साथ मेरी खुद की फेवरेट मूवी बेस्ट ड्रामा था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मूवी का प्लॉट फॉलो करता है स्टीफन हॉकिंग की रोमांटिक लाइफ के ऊपर और उनकी की गई कुछ ऐसी ही खोजों के ऊपर, यही आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा। सारी स्टोरी उनकी लाइफ के अराउंडिंग ही घूमती है, तो आप इस मूवी को जाके पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ बताना स्पॉइलर हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जो उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते स्टीफन हॉकिंग की, तो आप इस मूवी को जाके देख लो और काफी कुछ आपको इस मूवी में जानने के लिए मिलेगा। तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. तो मैं लिस्ट में आती 7.8 के साथ ड्रामा मूवी मैनचेस्टर बाय द सी, जहां पर ओल्डर ब्रदर की डेथ हो जाती है और दूसरी ओर यंगर ब्रदर के ऊपर उसके टीनेज नेफ्यू की जिम्मेवारी आ जाती है, जिसके अराउंड जॉब घूमती है और तो किस तरह से उनकी जॉब और उनकी लिविंग रिलेशनशिप पर फर्क पड़ता है, ये आपको मूवी देखने के लिए मिलेगा। मूवी बहुत ही अच्छी बनाई गई, सिंपली बात बताओ तो अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए उनको लीडिंग रोल मिला है और नॉमिनेशन हुई है बेस्ट एक्टर बेस्ट मूवी अवार्ड्स के लिए ये मूवी। तो मतलब तैयार हो जाओ एक बार फिर से, कुर्सी की पेटी बांधो और आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो। मैं सिंपली बोल रहा हूँ के पेटी बाधे रखो और इन सब मूवीज को जाके एंजॉय करो। लिस्ट में आती है 7.4 के साथ वो ड्रामा मूवी डार्क स्टार। कहानी का प्लॉट फॉलो करता है 1940 में हुई वर्ल्ड वॉर के खिलाफ, जहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को यह डिसीजन लेना है कि वो हिटलर द्वारा दिए हुए हस्तनामे पर डिसाइड करे और डार्क करे या फिर वर्ल्ड वॉर को चालू रखे। सिंपली बताऊं जहां पर गैरी ओल्डमैन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि अगर आप मूवी में देखोगे तो आपके रोंगटे और हर बम्प आपको गूज बम्प्स देखने के लिए मिलेंगे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी और आपको देखने के लिए एक मिनट पर लगेगा कि वो गैरी ओल्डमैन है, इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो बस आप एक बार कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न उठा लो और आप इस मूवी को जाके पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो डार्केस्ट आर को। We must negotiate these talks. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. Nonsense. 7.6 के साथ स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी द ब्लाइंड साइड, ये मूवी बेस्ड करती है 2006 में आई बुक द ब्लाइंड साइड के ऊपर, जिसमें आपको एवोल्यूशन और माइकल ओर्का देखने के लिए मिलेगा। किस तरह से वो NFL का बहुत ही बड़ा नाम बन गए, नेशनल फुटबॉल लीग का, जो आपको देखने के लिए मिलेगा और किस तरह से वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की हेल्प से ये सब कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत लकी है कि हमारे पास अपने पेरेंट्स हैं, सो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमारी लिस्ट में थी 8 के साथ म्यूजिकल ड्रामा मूवी बोहेमियन रैप्सोडी। किसी भी लेजेंड को कॉपी करके उसको स्क्रीन पे उतारना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो मैंने पहले भी बोला अभी भी बोलना चाहूंगा। इस मूवी में आपको फ्रेडी मर्करी की रियल लाइफ स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, जिसे बेखूबी स्क्रीन पे उतारा रैमे मलक ने। इसके बाद वो मेरे खुद के फेवरेट एक्टर बन चुके हैं और उनकी इस मूवी के लिए उनको अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल मिला, जिसे आप ऑस्कर भी कह सकते हो। पूरी की पूरी मूवी में उनकी ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट सिंगिंग और
ग्रेट म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा। तो इस मूवी के बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर नहीं होगा, तो आप इस मूवी को जाओ और पूरा पूरा जाके एंजॉय कर सकते हैं बोहेमियन रैप्सोडी को। आपको इतने गोस्टबम्प्स मिलेंगे इस मूवी में कि आप इस मूवी का म्यूजिक बार बार सुनना चाहोगे। तो बस तैयार हो जाओ इस मूवी को देखने के लिए। Enjoy the show. I also write songs. Lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. तो बेहतरीन एट आईडी के साथ एडवेंचर मूवी द रेवेनेंट, जिसके आपको मेन लीड में लियोनार्डो डिकैप्रियो टॉम हार्डी विल देखने के लिए मिलेगी। जितने ग्रेट एक्टर है उससे ग्रेट परफॉर्मेंस उनकी मूवी में देखने के लिए मिलेगी। मूवी का प्लॉट फॉलो करता है कुछ ऐसे फाउंटर बैंस के ऊपर जिनके ऊपर भालू का हमला हो जाता है और किस तरह से वो शिकार करके आगे बढ़ते हैं। इनके आगे ही जीवित रहने के लिए उनको इतनी ज्यादा मुश्किल आती है सर्वाइव करने में, जो भी आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा। और किस तरह से बहुत सारी कोशिश करने के बाद वो अपने नेक्स्ट पर्सन से आगे बदला ले पाते हैं, उससे रिवेंज ले पाते हैं, ये आपको मूवी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी मूवी सिर्फ आपको मार्वल और कुछ डीसी वालों के तौर से ही देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट मूवी थी एडवेंचर वाली जो मैंने एंजॉय की, तो आप इस मूवी को जाकर पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो द रेवेनेंट को। लिस्ट में आती है 8 आईडीबी के साथ डॉल्स क्लब, जिसके आपको मेनली में मैथ्यू मैकॉनी देखने के लिए मिलेगी। कहानी का प्लॉट फॉलो करता है ऐसे कौवे के ऊपर जिसे एड्स का पता चला है और वे उसी दवा को रोकने की कोशिश करता है जिससे लोग ज्यादा जी सकते हैं, और दूसरी ओर इस सिस्टम के चलते चलते वो अपना एक क्लब खोलता है जिसको वो डॉल्स क्लब का नाम से जाने जाने लगता है, जहां पर वो स्मगल करता है इस मेडिसिन को जिससे लोग ज्यादातर जी सके। एक तरह से रोक के वे दूसरी तरह से अपना चालू करता है। इसी की बदौलत, इसमें ग्रेट परफॉर्मेंस की बदौलत ही मैथ्यू मैकॉनी मेरे खुद के फेवरेट एक्टर बने, और इनके बदौलत ही उनकी मैंने सारी मूवीज देखी इंटरस्टेलर और काफी सारी, और इसके बाद ही उनको अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए मिला। मूवी आपको एवरीथिंग वाज परफेक्ट स्क्रीन पे उतरते हुए दिखाई देगी। तो सबसे पहले जाके आप जे मूवी भी देख सकते हो पहले दूसरे नंबर पर, तो बस रेडी हो जाए एक बार फिर से कुर्सी की पेटी बांधो और आप इस मूवी को पूरा पूरा जाके एंजॉय कर सकते हो डॉल्स क्लब को। हमारी लिस्ट में आती है 8.5 के साथ क्राइम ड्रामा मूवी जोकर। अब क्विन फोनिक्स इतने मेरे फेवरेट एक्टर है और उन्होंने जिस तरह ऑर्थो फेल्का जहां पर करेक्टर निभाया जोकर में, जो आपको मूवी देखने के लिए मिलेगा। वो किस तरह से एक मेंटली इल पर्सन है और उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी का करेक्टर निभाया, और दूसरी और किस तरह से वो बिके हुए नेहलेस्टिक क्रिमिनल बन जाते हैं, जो आपको मूवी देखने के लिए मिलेगा। तो मूवी के बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर हो जाएगा, और मे बी इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा जो आएगा मे बी वो बैटमैन जो अभी कैट पैटरसन की जो मूवी आ रही है उसमें देखने के लिए हमें मिलेगा। तो उस मूवी की भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक बार फिर से बोलता हूँ, तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप इस मूवी को जाके पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो जोकर को। और तो ये थी आज की हमारी कुछ टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज, बहुत ही इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के साथ, बहुत ही इनक्रेडिबल म्यूजिक के साथ, स्टोरी लाइन के साथ। कुछ मूवीज आपको पूरी तरह से इमोशनल डिस्ट्रॉय कर देगी, कहीं पर आपको बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। तो कोई भी मूवी उठाओ तो देख सकते हो। अगर आप इनमें से कोई भी मूवी उठा के देखते हो तो मेरे हिसाब से आपकी मूवी के लिए चॉइस बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी देखते हो आप। तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इससे थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी, चैनल की भी हेल्प हो जाएगी, और आपको वो इसकी लिस्ट के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। अभी तक तो कोई सब्सक्राइबर इतने आए भी नहीं है, तो फिर भी आप कर देना, बहुत बड़ी बात होगी। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।